तो ये मसाला भुन चुका है, अब इसको हम ठंडा कर लेते हैं। ठंडा होने के बाद इसको पीसेंगे। मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 11 बजे का और आज सब लेट लपाट चल रहा है क्योंकि वीकेंड है, सैटरडे है। तो अभी जस्ट पूजा करी है, पूजा करने के बाद मैं जा रही हूँ चाय नाश्ता बनाने के लिए। ये भूख बहुत तेज लग रही है और खाना बनने में तो काफ़ी टाइम लगेगा अभी। तो पहले जाती हूँ मैं चाय नाश्ता बनाती हूँ, वही नाश्ते में पोहा बना लूँगी क्योंकि जल्दी तो वही बन जाता है, नहीं तो नाश्ता बनाने में ही ज़्यादा लेट हो जाएगा तो फिर खाना वगैरह भी फिर लेट लपाट ही होगा। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक न्यू रेसिपी, चिचिड़िया का नाम आपने सुना होगा। चलिए मैं पहले नाश्ता चाय बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ रेसिपी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। मैं आगे से बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड कमेंट जरूर करिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं बनाते हैं नाश्ता। क्या देख रहे हो? बोले ना भैया, चिकी चिकी आ रही। वीकेंड ही होता है या संडे, जब एक साथ में नाश्ता खाना खा सकते हैं, तो बाकी दिन तो जल्दी जल्दी पड़ी रहती है कि खाना बनाओ और बस जल्दी ये खाए और निकले ऑफिस के लिए। आइए आप भी हमारे साथ नाश्ता कर लीजिए। नाश्ते क्या बना? पोहा। जल्दी वही बन जाता है तो बस वही बना लिया, नहीं तो फिर खाने को भी लेट हो जाएगा। आज हमारे घर में कुछ स्पेशल बनने जा रहा है। अम्मा लोग बहुत अच्छे से बनाती हैं गांव में। हम लोगों के कपड़ों का कलर कॉम्बिनेशन देखिए, दिखाओ भैया की शर्ट। भैया की शर्ट में येलो कलर, तो मेरा लोवर येलो कलर का है और ग्रीन है तो ग्रीन भी शर्ट में है मेरे। मेरा बेबी का ग्रीन ग्रीन है और ब्लू कलर है तो पापा का ब्लू कलर है ना? राधे राधे, जय श्री राम। बोलो हाउ कर दे, हाउ हाउ हाउ। हाँ हंसू आ गई, हो गई हाउ हाउ। और एक गिलहरी है जो डलिया में, मैं किचन का वेस्ट डाल देती हूँ, और गाय की रोटी।
वो कुतर कुतर खा रही है और भाग भाग के जा रही है। अभी मैं दिखाऊंगी आपको। या सभी को जय श्री राधे। अपनी मम्मा से पूछो, मम्मा क्या बना रही हैं आज? आज ये बन रहा है, जैसे इसका शेप है वैसे इसका नाम है, स्नेक गार्ड बोलते शायद उसे। ऐसे पेड़ में टंगा रहता है तो हमारे यहाँ इसको चचिड़ा बोलते हैं, और आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका इंग्लिश नेम स्नेक गार्ड करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले इसको छील लेते हैं। छीलने के बाद इसके बड़े बड़े मैं टुकड़े करूंगी और ऐसे बीच से फाड़ के और फिर उसकी रेसिपी बनाएंगे। ये काफी दिन से बोल रहे थे कि इस भरवा वाले चचिड़ा बनाओ, भरवा वाले चचिड़ा बनाओ। तो हम लोगों ने अभी जितनी बार बनाया तो जैसे अपन गिल की छील के काट के बना लेते हैं ना, वैसे बना लेती थी मैं। तो इस बार मैंने सोचा कि आज चलो भरवा वाले चिचड़ा बना लेते हैं, क्योंकि आज वीकेंड भी है। तो बस इसकी जो रेसिपी है आप देखते जाइए। सबसे पहले इसको छील के हम काट लेते हैं, फिर आगे की रेसिपी हम बताते हैं आपको। तो इसमें इतने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और ये बीच से फाड़ लिया है ऐसा ऐसा, और इसमें मसाला भर के फिर बनाएंगे। इसमें ज्यादा ऑयल नहीं लगता है, जैसे गिल की भरवा गिल की बनाए या ये सब्जी बनाए तो इनमें मसाला ज्यादा और तेल मसाला ज्यादा नहीं लगता है, क्योंकि इनमें बहुत ही मतलब 80% पानी होता है इन सब्जियों में, तो वो पानी बहुत ज्यादा छोड़ती हैं, तो पानी भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने ही पानी से पक जाती है, और तेल मसाला भी ज्यादा नहीं लगता और हेल्दी भी बहुत अच्छा होता है। ये चिचिड़ा में पड़ने वाला मसाला धनिया, खड़े मिर्ची, जीरा, मेथी, तेज पत्ता, काली मिर्च, पुस्तक के दाने, और ये बड़ी इलायची, छोटी इलायची, और ये दो तीन लौंग, और ये तो ये हमारा ये जो मसाला हमने भून लिया है अच्छे से, ये ठंडा भी हो गया है तो हम इसे पीसेंगे, और साथ में ये कुछ लहसुन है, ये लहसुन, ये इस लहसुन को भी हम साथ में पीसेंगे। मैं प्याज साथ में नहीं पीसती हूँ, जब हम इसको छौंके छौंक लगाएंगे सब्जी को तब हम प्याज यूज़ करेंगे। काफ़ी लोग नहीं यूज़ करते हैं बट मैं यूज़ करती हूँ। तो मसाला पीस लेते हैं। पिस गया है और मसाले से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, एकदम भीनी भीनी सच में। ताजा मसाला, जैसे आप कोई भी मसाला भून के ताजा पीसते हो तो उसकी खुशबू ही ज्यादा अच्छी, मतलब खुशबू अच्छी आती है और स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। बाकी यही मसाला अगर आप पीस के रख देंगे ज्यादा दिनों के लिए तो फिर वो टेस्ट और खुशबू भी नहीं रह जाती है। तो ये मसाला पिस गया है और इसमें हम डालते हैं सरसों का तेल। आप जो भी यूज करते हो तेल, लेकिन आप सरसों का तेल यूज करेंगे तो खाने के फायदे तो है ही सरसों का तेल, और खासकर ये सब्जियां वगैरह जो ये भरवा की बनती हैं या कोई भी सब्जी बनती है उसका स्वाद दुगना हो जाता है। तो हमने इसमें तेल मिला दिया है और इसमें थोड़ा सा नमक मिक्स कर देते हैं। क्या कर रही हैं? भर रही हैं। मैं कुछ बोलता हूँ तो इन्हें हंसी पहले आ जाती, ऐसे लगता है मैंने क्या अजूबा बोल दिया। मैंने पूछ ही लिया है कि क्या कर रही हैं, मसाला भर रही हैं, तो उसमें इन्हें हंसी आ गई भैया। मैंने कुछ गलत पूछा क्या? नहीं, सही पूछा। अब जी मसाला है इसमें हम ऐसे भर देते हैं। पास इसको बारी बारी से सारे चिचिड़ों को ऐसे भर लेते हैं मसाले में। लहसुन छिल गई, कुट गई। रेसिपी आग तो जलाओ पहले, तेल डालो। जी बिल्कुल, बताते जाइए। मैं ही बता रहा हूँ तब बना पा रही, बताने की जरूरत नहीं है। कढ़ाई में डाल देते हैं तेल, और मैंने चार पांच लहसुन के बीज हैं जिसको थोड़ा सा कुचल लिया है। काटने मैंने पहले भी आपको बताया कि काटने की अपेक्षा आप उसको थोड़ा सा कुचल लेंगे ना तो स्वाद ज्यादा अच्छा आता है, आप चेक करके देख लेना। बस तेल गर्म हो जाए। जीरा, सब्जी में कोई एक मिर्च डालते हैं? हाँ, जब तेज होती है तो एक ही डलती है, वैसे भी उसमें खड़ी लाल मिर्च पिसी हुई है। मैंने कहा एक सब्जी में डालना अच्छा नहीं रहता, दो मिर्ची हो। बच्चा
तो प्याज पक चुकी है, अब हम डाल देते हैं ये। अगर आपके पास खड़ी हल्दी है तो खड़ी हल्दी को भी आप सेक के पीस के डाल सकते हैं। अब खड़ी हल्दी अब यहाँ पे कौन भूनता और पीस के डालता है भट्टे से लेकिन गांव वगैरह में ना खड़ी हल्दी को भी भून के और पीस के डालते हैं। जो ताजा मसाला भून के पीस के डालो तो उसकी मैं क्या ही बोलूँ। तो बस इसको मीडियम से स्लो आंच में पकने देते हैं, इसका खुद का पानी निकलेगा तो उसी में ये पक जाएगा, इसका पानी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तुम सब्जी बनाओगे और लास्ट में मैं इसके फायदे गिनाऊंगा, तुम्हें अभी पूरे फायदे नहीं बताऊंगी। बहुत फायदे बन चाहिए, बहुत फायदे हैं जो कि जब सब्जी पक जाएगी उसके बाद हमारे पतिदेव आपको बताएंगे। बीच बीच में हम इसे थोड़ा सा खोल के चेक कर लेते और पलट देते हैं, एक तरफ से ये पक गया है तो दूसरी तरफ से भी पक गया है। आइए देखते हैं हमारी सब्जी के क्या हाल हैं। खुशबू तो बढ़िया आ रही है, तो सब्जी तो पक चुकी है, पक गई है सब्जी। तो तैयार है हमारी चचिड़ा की सब्जी, देखिए कितनी डिलीशियस टेम्पटिंग लग रही है, अब खा के पता चलेगा कि कैसी बनी है। कैसी बनी सब्जी खा के बताऊंगी, पहले अब खाया नहीं है, अभी खा लिया, अभी बता। अब बता, सब्जी तो बहुत ही टेस्टी और लजीज और स्वादिष्ट बनी, जितनी भी तारीफ करो कम। अच्छा, थैंक यू। हाँ, और मैं सब्जी के फायदे गिनाना चाहूंगा। हाँ, बहुत सारे फायदे हैं। पहली चीज तो ये डायबिटीज के लिए फायदा करती है, फिर सेकंड नंबर पे ये बालों के लिए, रूसी वगैरह हो रही हो, बहुत से लोग बाल उगाने के लिए इसका जूस भी निकाल के बालों में लगाते हैं। मुझे बहुत जरूरत है इस चीज की, मेरे बाल झड़ गए थे। और ये हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है, इसमें फाइबर बहुत पाया जाता है तो ये पेट साफ करने के लिए भी फायदेमंद है। और ये पीलिया के लिए फायदेमंद है, पीलिया वाले लोग इसके बहुत खाते हैं, जिनको टाइफाइड हो जाती है ना। और ये बुखार के लिए, बुखार में भी आराम मिलता है इससे, इसके बहुत सारे अनेकों फायदे हैं। और एक चीज तो आप जानते ही हैं, हर चीज की अति भी खराब है। हाँ। जैसे कि मधुमेह डायबिटीज वालों को बहुत ध्यान से, तो ये डायबिटीज शुगर लेवल डाउन करता है। अच्छा। इसलिए जिनकी डायबिटीज कम हो तो उसे ज्यादा नहीं खाना, और ज्यादा मात्रा में भी नहीं खाना है कि जहाँ ये पेट साफ करने का और गैस जो एसिडिटी वगैरह बनती है उसके लिए फायदे होते हैं। लेकिन ज्यादा मात्रा में खा लो तो फाइबर होने की वजह से पेट ज्यादा। कुल मिला के ये है कि किसी भी चीज की अति हानिकारक होती है तो लिमिट्स में खाना है, लेकिन खाना जरूर है और ये बहुत फायदेमंद है। तो जो नहीं खाते हैं, जो बहाने बनाते हैं इसको खाने से, तो खाइए जरूर, सब सारी सब्जियां खाइए, बस लिमिट में खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, क्योंकि हमें सारे पोषक तत्व चाहिए होते हैं बॉडी के लिए। आप कोई एक दो चीजें खा के आप अपने शरीर को पोषण नहीं दे सकते हैं, तो आपको हर सारी सब्जियां थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। हम खाते हैं और हम अपने बच्चे को भी सिखाएंगे कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाए, नखरे तो बिल्कुल नहीं चलेंगे। मेरी किचन में तो भैया नखरे नहीं चलेंगे, मन नहीं कर रहा खाना खाने का। टाइम हो रहा है अभी 10 बजे का और ये मंदिर गए थे तो अभी आए कुछ थोड़ी देर पहले मंदिर से, तो फिर हम लोग ने डिनर किया और डिनर करने के बाद मैंने इसकी मालिश करी। देख सकते हैं यहाँ पे खेल रहे हैं,
और बस अब मैं बैठूंगी अपना वीडियो एडिट करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप बताइएगा कि हमेशा की तरह कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको, कमेंट जरूर करिएगा। तो तब तक के लिए जय श्री राधे, गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।